सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। सोलन पुलिस ने अपने गुप्तचरों को जगह जगह तैनात किया है। थोड़ा सा भी क्लू मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई अमल में लाती है और नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही दम लेती है। ऐसी ही घटना सोलन के बाईपास पर हुई, जिसमें एक कार से करीबन 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। कार में 3 युवक सवार थे, जिनसे सख्त पूछताछ की जा रही है। सोलन पुलिस लगातार चिट्टा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। सोलन पुलिस ने अपने गुप्तचरों को जगह जगह तैनात किया है। थोड़ा सा भी क्लू मिलने पर पुलिस तुरंत कार्रवाई अमल में लाती है और नशे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। ऐसी ही घटना सोलन के बाईपास पर हुई, जिसमें एक कार से करीबन 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। कार में 3 युवक सवार थे, जिनमें से सख्त पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि कार में चिट्टा है। गौरतलब है कि अभी तक चिट्टे को बेचने वाले जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, उनमें ज्यादातर युवा शामिल हैं। एएसपी शिव कुमार ने बताया कि चंडीगढ़ की ओर से आ रही कार को जब पुलिस ने रोका तो उसमें बैठे 3 युवा बुरी तरह से घबरा गए। जब कार की तलाशी ली गई तो कार के डैशबोर्ड पर रखे गए कपड़े के नीचे से 25.33 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। तीनों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों युवा अलग अलग जिला मंडी, किन्नौर और शिमला के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारा स्प्रून चौकी की टीम ने एक नाका लगाया था दोहरी दीवार के पास, तो एक कार चंडीगढ़ की तरफ से आई जो कि शिमला की तरफ जा रही थी। इसको उस नाके पे जब चेकिंग के लिए रोका गया तो उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे जो कि पुलिस की टीम को देख के थोड़े हड़बड़ा गए। जब गवाहों के सामने इनकी गाड़ी की तलाशी ली गई तो आगे जो गाड़ी का डैशबोर्ड होता है उसमें एक ढाठू मिला, जिसकी एक गठरी जैसी बनाई हुई थी। उस गठरी को जब गवाहों के सामने खोला गया तो उसमें 25.33 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। ये जो 3 व्यक्ति हैं, इनमें से एक मिस्टर जगदेव है जो किन्नौर का रहने वाला है। इसकी एज 26 साल है। इसके अलावा दूसरा जो लड़का है उसका नाम ध्रुव भारद्वाज है और ये मंडी का रहने वाला है। और जो तीसरा लड़का है इसका नाम रवि शर्मा है और ये हिमरी ठियोग शिमला का रहने वाला है। इन तीनों की एज लगभग 25 ईयर्स है। इस बरामदगी की बाद पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया और ये जो हीरोइन थी इसको कब्जा में ले लिया है। तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन केस में चल रही है। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एस्टुडे के साथ। नमस्कार।